साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक और अपडेट के साथ हाजिर हूँ। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की NM GNM भर्ती 2018 से जुड़ा एक ऑफिशियल अपडेट, इस पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने ओपन कर रखा है और इम्पोर्टेंट लेटर्स के अंतर्गत आपको जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन इसे करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्यग्रहण नर्स ग्रेड द्वितीय पर कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने बाबत और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी NM GNM भर्ती 2018 उसके रिगार्डिंग ये जानकारी मांगी गई है कि अब तक कितने अभ्यर्थियों ने इसमें ज्वाइन किया है नर्स श्रेणी द्वितीय, और आपका जो है ANM में कितने अभ्यर्थियों ने ये ज्वाइन किया अब तक, उसके बारे में सूचना मांगी गई है। दोस्तों, पहले भी ये सूचना मांगी गई थी, आप लोगों को ध्यान होगा, तो अब से कुछ दिन पहले ये सूचना मांगी गई थी और अब फिर से मांगी जा रही है। देखिए, आज ही का लेटर है, ठीक है। समस्त संभागीय आयुक्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य में राजस्थान नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने बाबत। तो दोस्तों, 2/7 को ये मांगी गई थी और सूचना चाहिए गई जो अपेक्षित है। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना संबंधित जिलों से प्राप्त कर अपने स्तर पर इकजाई कर निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 13/7/2020 तक ईमेल आईडी दी गई, इस पर भिजवाना सुनिश्चित करें। तो यानी कि दोस्तों, नर्स श्रेणी द्वितीय पर जो कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है उसके बारे में ये जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा ऐसा ही आपका ANM की सूचना भी मांगी गई है। तो दोनों ही अपडेट हैं आप लोगों के लिए। देखिए, समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, तो 2/7/2020 को ये सूचना पहले मांगी गई थी और अब भी मांगी गई है, क्योंकि ये सूचना भेजी नहीं गई थी, ठीक है। तो अब दोबारा से ये सूचना मांगी गई है 13 तारीख तक कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। दोस्तों देखिए, आदेश क्रमांक आप लोग देख सकते हैं, आपकी ANM GNM भर्ती 2018 से जुड़ा ये मामला है और इसमें कितने अभ्यर्थियों ने, यानी कि जो 9000 में से जो 87 अभ्यर्थी कम थे उनकी ये सूचना मांगी गई है, कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है, कहाँ कितने पद खाली रह गए हैं, किन जिलों में क्या स्थिति है, वो चीज़ें सारी इसमें मांगी गई हैं। और 13 तारीख तक ये जानकारी विभाग ने मांगी है समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक से। दोस्तों, ये थी जानकारी आप लोगों ने। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।